ट्रेन हादसे के बाद इसमें कम से कम 275 लोग की जान चली गई और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। हम बात करेंगे कोरोमंडल एक्सप्रेस की। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार से अपनी सेवाएं फिर से देना शुरू कर रही है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बुधवार से अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। रेल हादसे का शिकार होने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस आज से फिर से पटरी पर दौड़ने वाली है। दोपहर 3:20 पर यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना हो रही है। शाम 6:30 के आसपास उड़ीसा के बालेश्वर बहनगा से गुजरने वाली है, जहां रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बुधवार से अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर रही है। गौरतलब है कि 2 जून को भीषण रेल हादसा हुआ था। ओडिशा के बालासोर जिले के बहनगा रेलवे स्टेशन के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ था। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से हो गई थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। इसके चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। बहुत लोगों ने अपने परिवार को खोया था। बहुत लोगों का परिवार भी इसी में पूरा विनष्ट हो गया। इसके बाद यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकरा गई और उसके डब्बे में पटरी से उतर गए। इस रेल हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हो गए। जहां ओडिशा सरकार ने मंगलवार को ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या में संशोधन भी किया है। राज्य सरकार ने बताया है कि बालासोर ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत हुई है। मुख्य सचिव पीके जेरा ने कहा है कि सोमवार तक 275 मौतों की पुष्टि का आंकड़ा सामने आया था, लेकिन मंगलवार को ये बढ़कर 288 हो गया है। शो को सत्यापन के बाद आंकड़ा बढ़कर 288 हो गया। अब तक कुल 288 में से 205 शवों की पहचान की जा चुकी है और उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। शेष 83 शवों को पहचान के लिए एम्स भुवनेश्वर और अन्य अस्पतालों में रखा गया है। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।